एक खून की लकीर नीरो के कमरे तक। अम्मा जी, सर की दवाई का टाइम हो गया है। ये क्या अम्मा जी, इतना खून? बस एक ही शर्त है कि तुम हमारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा। अरे ये तो काला जादू है, ये तो तब करते जब किसी को मारना चाहते। मेरे घर में किसी को कोई मारना क्यों चाहेगा? किससे क्या होगा ये? ये क्या किया आपने? अब तो जरूर कुछ बुरा होगा। प्लीज चुप रहो। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, नर्स हो और ऐसी बातों पे विश्वास करती हो? किसने बोला था तुझे छूने को? क्यों हाथ लगाया तूने? अब जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। दादी, कोई संकट वंकट नहीं है, अब बेकार में टेंशन ले रही है। नहीं लला, तू नहीं समझेगा, ये बेकार की बात नहीं है। अम्मा जी, तुम क्यों परेशान होती हो? कुछ नहीं होगा। ये जो हो रहा है बहुत गड़बड़ है। अभी पंडित जी क्या कह रहे थे नीचे, कि अगर यज्ञ में विघ्न हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अब तो जैसे घूंघट वाली माता की मर्जी, आप तो बस प्रार्थना कीजिए कि माता का प्रकोप आप पर ना निकले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। घूंघट वाली माता, वो ही कुछ निवारण करेंगी। उनके पैरों में मैं गिर जाऊंगी, माफी मांगूंगी उनसे। बस घूंघट वाली माँ ही कोई उपाय बता सकती है। घूंघट वाली माता का जादू तो उतर ही नहीं रहा है अम्मा जी के सर से। तो हमारी चाल कामयाब हो रही है यश। कैसे थर थर कांप रही है बुढ़िया। अब भी भाग कर जाएगी घूंघट वाली माता के शरण में। अम्मा जी, प्लीज पानी पी लो ना। नहीं उठा रही हूँ घूंघट वाली माता। मैं कह रही हूँ तुम लोगों से, वो नाराज है। क्या होगा, कैसे बचाऊं अपने परिवार को मैं? अम्मा जी, हमें लगता है इस वक्त हम लोग को सब कुछ भूलकर सिर्फ बाबू के बारे में सोचना चाहिए। बाबू कितने खुश हैं, तुम जानती हो? आज शाम उन्होंने मेहंदी वाली को भी बुला लिया। सिर्फ मेहंदी ही नहीं अम्मा जी, संगीत की भी सारी तैयारी कर ली है उन्होंने। ये सब नीरू ने किया है? जी अम्मा जी, महाराज जी से कहकर सारा काम करवाया। इसलिए प्लीज अम्मा जी, ये गुड़िया जादू टोने की टेंशन से बाहर निकलो, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। हम जानते हैं ये मुश्किल है, लेकिन अपने लिए ना सही तो अपने नीरू के लिए तो कर सकती हो ना तुम। दोनों शादी करने वाले हो? हाँ अम्मा जी, और आज शाम को हमारी मेहंदी भी है। उस शादी की मेहंदी जो हम और सागर अपनी खुशी से नहीं, बाबू की खुशी के लिए कर रहे हैं। मेहंदी है? बहुत खुशी की बात है। अरे तो महाराज जी को बोलो फटाफट फटाफट वो मेहंदी पीसे, फिर उसमें तेल भी तो मिलाना है, तभी तो पक्का गहरा रंग चढ़ेगा तेरी और बहू की हथेली पे। देख मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। चलो चलो भाई, चलो चलो, बहुत सारा काम है। तेल नहीं अम्मा जी, केमिकल मिलाएंगे मेहंदी में, और ऐसा केमिकल कि मेहंदी छूने से ही आपकी गंगा के हाथ जल जाएंगे। मेहंदी में तेल डाल दिया? तेल डालो,
बुढ़ा गए, बुढ़ा गए हैं हमारे महाराज जी। भूल गया तेल डालना, एक गलती कैसे हो गई? महाराज जी, बाहर कोई आपके बारे में पूछ रहा है। वैसे तो आ रहा हूँ मैं, क्या मेहंदी में तेल डालना? ये सब मैं कर दूंगी, आप जाके देख आई, कहीं कोई जरूरी बात तो नहीं? कमाल है, कौन हो सकता है? मेहंदी से तुम्हारे हाथों में रंग नहीं, छाले पड़ जाएंगे गंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई। महाराज जी, अरे ले आओ फटाफट, ले आओ मेहंदी। शुरू करवाओ। जी अम्मा जी। रुक जाइए, क्या हुआ नीरू? मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं अम्मा जी, बस वो आ जाए उसके बाद रस्म पूरी होगी। किसका इंतजार कर रहा है भाई, कोई खास मेहमान है? कौन है वो? पता चल जाएगा, बस दो मिनट और। नीरू की पहेलियां भी ना बस। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे अपने फैमिली मेंबर के रूप में स्वीकार करें। इस घर में रहने का अधिकार है कशिश को। तुम दोनों को भी इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बोलो, करोगे? Thank you.
क्या कह रहे हैं? क्या पुलकित भैया और कशिश के होने वाले बच्चे को इस परिवार का नाम देना चाहते हैं बाबू? क्या हो रहा है ये सब? ये हमारे घरेलू मामला है। चलो सब लोग मेरे कमरे में आओ। बाहर मेहमानों के सामने क्या तमाशा है? कशिश हमारे परिवार की चिराग को, पुलकित की संतान को जन्म देने वाली है, और मुझे लगता है कि इंसानियत के नाते हमें अपने फर्ज को भूलना नहीं चाहिए। कशिश भी कुछ कहना चाहती है। एक मासूम से बच्चे को इस दुनिया में आने से रोकने का पाप मैं नहीं करना चाहती। मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से आप सबसे दूर चली जाऊंगी। बच्चा यहीं रहेगा जहां उसे होना चाहिए। एक बार सोच लीजिए सब लोग कि क्या करना है। जो कि जो हुआ उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, और अगर हम बच्चे को इस परिवार का नाम देने से, उसके पिता का नाम देने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो कशिश के पास और कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय अबॉर्ट। नहीं पापा, आखिर ये बच्चा पुलकित का भी अंश है, और किसी भी बच्चे को इस दुनिया में आने से रोकना या फिर जिंदगी भर के लिए लावारिस का नाम देना गलत होगा। इसलिए इस बच्चे के पैदा होने तक कशिश यहां रह सकती है। You don't have to worry. मैं इस बच्चे पर कभी भी अपना हक नहीं जताऊंगी, ना ही तुम पे। रुको सुप्रिया, बहुत समझदारी का काम किया है तुमने। थैंक्स। गंगा जी बाबू, कशिश के लिए रूम तैयार कर दो। आओ कशिश। बहू तो देख रही है, मुझे तो डर लग रहा है कि नीरू के इस फैसले से पुलकित और सुप्रिया की आने वाली जीवन में उथल पुथल ना हो जाए। अभी तो हाल ही में दोनों थोड़े ठीक हुए आपस में। हम जाकर कमरा तैयार कर देते हैं कशिश के लिए। गंगा, मैंने कहा ना तुम यहीं रुको, बाहर सब वेट कर रहे हैं, तुम्हें बाहर जाना है। बहू सुन, एक बात और सुन ले, अभी नीरू नहीं है यहाँ, तू आराम से उसको बाद में बता दे। मैं पीर बाबा के यहाँ जाना चाहती हूँ, बस मेरा नीरू ठीक हो जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। लेकिन अम्मा जी अभी कैसे? हाँ, बाहर सब संगीत और मेहंदी की तैयारी हो गई है। आप, तुझे मैंने इतने साल सब सिखाया, तू सब कर लेगी। तू ये सब संभाल, तू खुशियां संभाल, मैं वहां जाती हूँ पीर बाबा के पास। मुझे नीरू का चेहरा देखा नहीं जा रहा है। लेकिन अम्मा जी अभी रात होने वाली है। नहीं, हम तुम्हें अभी नहीं जाने देंगे। देखो मैंने ना सुमित्रा जी से बात कर ली, वो भी जा रही है बस में, हम दोनों चले जाएंगे। अगर आने में दो चार दिन हो गए तो तुम लोग घबराना मत, यहाँ का तुम लोग सब संभाल लेना, ठीक है? मैं फोन करती रहूंगी। अम्मा जी सुनिए तो, लेकिन ये कभी घूंघट वाली माता, कभी पीर बाबा, और क्या क्या करोगे तुम अम्मा जी? समझती क्यों नहीं हो कि इस मुश्किल का हल किसी के पास नहीं है? इतनी देर क्यों लगा रहे हैं ये सब? एक बार ये मेहंदी गंगा के हाथों पर लग जाए बस काम हो जाएगा। बैठ। अरे कहाँ रह गई थी तुम गंगा?
चलो अब जल्दी से मेहंदी लगवा लो। इतने दुख सहने के बाद गंगा और सागर की जिंदगी में खुशियां आ रही हैं। बस सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए भगवान। बहू जी, हाँ, कल तुम्हारी भी तो शादी है ना, प्लीज हमारे साथ मेहंदी लगवाओ ना। आओ, पहले तुम लगवा लो फिर लगवा लो। चलो अच्छा ही है, एक तीर से दो निशान लग जाएंगे। माधवी के हाथों का भी वही हाल होगा जो गंगा का होगा। गंगा दीदी आप इधर बैठिए, आपके हाथ में तेल लगाना है मेहंदी लगाने के लिए। सागर तू ठीक तो है ना? हाँ। और गंगा तुम्हें लगी तो नहीं? जी मम्मा बिना कितनी नर्वस हो जाती है, अगर अभी पापा इनको नहीं बचाते ना तो ये तो गिर ही जाती। अगर किसी ने देख लिया कि मेहंदी के कारण कारपेट जल गया है तो मैं फंस जाऊंगी। कोई बात नहीं महाराज जी, ये साफ कीजिए जरा। नहीं नहीं मैं कर देती हूँ। रसम शुरू होने से पहले ही अड़चन आ गई, सारी मेहंदी गिर गई, बहुत अपशगुन माना जाता है ये। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, मेरी मम्मी पापा की शादी पे ऐसा कुछ अपशगुन नहीं होगा। बड़ी दादी ने ये मेहंदी रखी थी पूजा के लिए, तो आप ये लगा लो। हाँ कृष्णा ठीक कह रही है, चलो ये मेहंदी लगा, बैठ जाओ। तुम्हारी किस्मत साथ दे रही है गंगा, लेकिन मैं भी देखती हूँ कब तक बचोगे तुम। ये चाल फेल हो गई तो क्या हुआ, इससे भी बड़ी और खतरनाक चाल है मेरे पास। गंगा, तुम्हारे हाथ में मेरे बेटे का सिर्फ नाम नहीं लिखा जा रहा है बल्कि उसकी सारी खुशियां भी लिखी जा रही हैं। हाँ गंगा ने तो बहुत पहले ही अपने दिल पर आपके बेटे का नाम लिख लिया था माधवी जी, क्यों गंगा? बहू जी के हाथ पर भी बाबू का नाम लिख दो ना।
अब देखना पापा, मम्मी की मेहंदी का रंग कितना अच्छा चढ़ेगा। क्या हुआ, आप इतने चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलेंगे नहीं पापा? बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मुझे अपनी धर्मपत्नी को यह जताने का मौका ही नहीं मिला कि कितनी खास जगह है उसकी मेरी जिंदगी में। कितना प्यार करता हूं मैं अपनी माधवी से, आज मुझे मौका मिला है और आज मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। क्या पता कल ये मौका मिले ना मिले। मैं भी आज अपने हाथ में अपनी धर्मपत्नी माधवी का नाम लिखवाना चाहता हूं। निरंजन जी के पास अब ज्यादा समय नहीं है, 6 महीने भी मुश्किल से निकाल सकते हैं वो। एक मिनट, मैं किचन में देख के आती हूं। जी तुम आओ, सब तुम्हें जी तुम ठीक हो ना? अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है गंगा, कैसे मुस्कुराओ, किस तरह से खुशियां मना, वक्त जैसे रेत की तरह मेरे हाथों से फिसल रहा। इनके साथ बिताने को जो वक्त रह गया वो कितनी तेजी से घट रहा। तुम्हारे और सागर के लिए बहुत खुश हूं मैं, लेकिन जितना भी वक्त है हमारे पास, मैं एक एक पल को यादगार बनाना होगा। मम्मी पापा के लिए उनकी जिंदगी में हर एक पल में मैं खुशियां भरनी है, और ये तभी हो पाएगा जब आप खुद को संभालेंगी। आपको स्ट्रांग बनना होगा।